मनीषा मनीषा कुकर मिर्चा ने चढ़ा दिए मनीषा वाला सीन हो गया इनके साथ, कुकर में चने चढ़ा दिए और खाली कढ़ाई गैस पे रख दिया। ओ भाई मारो मुझे मारो। हे गाइस नमस्कार अस्सलाम वालेकुम केमछो सत श्री अकाल और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मिस्टर एंड मिसेस राज में। और 2 सितंबर की सुबह आप सभी को मुबारक और सुप्रभात। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का ब्लॉग भी कुछ स्पेशल ही है और वी आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय इट बिकॉज आज मैं अपनी डेली रूटीन को शेयर करूँगा। और मॉर्निंग में हम जनरली क्या करते हैं, वीडियोज़ वैसे दिन भर का अगर शूट करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो जाएगा, तो जस्ट अ मॉर्निंग ब्लॉग। और मम्मी भी बैठी हुई हैं, द वोस्ट पार्टीज़ की रात भर लाइट नहीं थी एंड पीपल वेर लाइक कि ओ माई गॉड, ऑलमोस्ट मिड नाइट से 12 बजे से लाइट कट गई थी। और आजकल बिहार में बहुत ज़्यादा पावर कट भी हो रहा है, शायद फ्लड रीज़न है या पता नहीं क्या, कुछ भी रीज़न है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रबल होने लग गया सब लोगों को। और मम्मी तो वैसे ही नींद में नहीं सोई हैं, मम्मी वहाँ पर रूम में परेशान रही है। दिखाते हैं पहले आपको कैमरा रिवर्स करके, यहाँ पर ये वाला जो रूम है इसमें मम्मी है, दिखाते हैं आपको। ये इनको मम्मी कैसे परेशान है, क्या हो गया है मम्मी, कहाँ है परेशान बैठी हैं? पानी भी नहीं था गाइस, मोटर नहीं चल रहा था, लाइट नहीं थी रात भर, तो पानी भी नहीं। मेरा चार्जर बेड पे कौन फेंक दिया? सो थोड़ा सा रात भर प्रॉब्लम हो गया था इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, लेकिन आई होप सब ठीक हो जाएगा। चलते हैं मैडम के पास। इधर पहुँच चुके हैं मैडम के पास और ये तो भाई नेक्स्ट मतलब क्या कहते हैं हीरोइन लोग फेल हो जाएगा इनके सामने, कह रही है कि अभी हम तैयारी नहीं है तो मेरा व्लॉग मत बनाओ। अभी तो स्नान भी नहीं किया है, आज सब काम मेरा लेट हो रहा है। बताइए मतलब मैं कौन सा नहाया हूँ रूटीन से सब मैं भी अभी बिल्कुल ना। आज हम लोग पूरा का पूरा शेड्यूल 5 बजे का ही उठे हुए हम सब लोग हैं, लेकिन पावर कट की वजह से ना मोटर में पानी था और जनरेटर वैसे ही खराब है। सो गाइस चलिए सबसे पहले मम्मी को सुबह सुबह एक चीज़ पूछ देते हैं। मम्मी जब बचपन में हम लोग का फैसिलिटी ही नहीं था, ना मोटर था ना पानी था, सब तो चापाकल चलाती हैंड पंप था, अभी भी तो है नीचे, लेकिन कोई लाएगा ही नहीं। आप लोग को बोला जाएगा तो आप लोग नहीं लाइएगा। हाँ गाइस जब नीचे से हम लोग खुद लेके जाते थे ऊपर, नीचे से ऊपर चढ़ने में हालत खराब हो जाता है। अब तो हम लोग इतना ज्यादा सुखवार बना दिया गया है कि अब चापाकल में पानी चला करके लेकर के आने में थोड़ा सा, अब एक बार गिर ही जाए आदमी तो फिर 4 दिन तक का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सरसाइज है, करना चाहिए, हाथ सही रहता है। आप मेरा हर बार मेरा इंसल्ट ही कर देती हैं, ऐसा कुछ काम नहीं कर, काम बहुत करते हैं गाइस। अभी मम्मी को अब थोड़ा अभी तो कभी हम क्लास काम करते हैं, केवल पढ़ाई लिखाई वाला काम करते हैं, बस बाकी घर का कोई काम नहीं करते। घर का काम क्या है, घर का काम, घर का काम अब लेडीज लोग तो आप लोगों को पता ही है कि घर का पूरा इतना बड़ा काम उन लोग के ऊपर जिम्मेदारी होता है। हम लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं, वही बहुत ज्यादा है। मम्मी को तो खैर सब चीज में हम सपोर्ट कर देते हैं, सारा काम करने का, बर्तन धोना, कपड़ा फिर कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं। हमको खाना बनाना नहीं आता है, बनाने आता है लेकिन हमको हेल्प नहीं करता है। बर्तन धोने नहीं आता है? नहीं नहीं आता है, पहले करता था। कपड़ा धोने नहीं आता है? नहीं, सब किएगा ही, सब कुछ भी नहीं करता। जब अपने पे पड़ता है इंसान सब कुछ धीरे धीरे कर लेता है। अभी तक हम धो रहे हैं, बोल दे क्या हट, बहुत बदमाशी कर रही हूं। और गाइज आप लोगों को बहुत सारा मैं अपने बचपन का स्टोरी बताऊंगा, तो आप लोग भी सुन सुन करके आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। बचपन में मेरे को खाने के लिए क्या, जब मैं 1 साल का था, खाना नहीं था, तो पापा अपने मैट्रिक का कॉपी किताब जो भी था उसको, 1 साल के का था, कम ही का था, का क्या हुआ था बताइएगा। अभी क्या बताएं, अब बताकर कुछ फायदा है नहीं। तो गाइज उस समय केरोसिन का ऑयल मिलता था और केरोसिन का ऑयल भी हम लोगों के पास नहीं था, तो मेरे को चावल का वो जो माड़ होता है ना, बिहार के लोग जानते होंगे जो पानी होता है, वो बनाई थी मम्मी। नहीं पहले हम लोग बहुत मतलब कुछ नहीं था हम लोग के पास, इनके पापा ट्यूशन पढ़ाते थे सिवान में और एक साइकिल से जा जा कर पढ़ाते थे। उस समय बहुत कम पैसा मिलता था पढ़ाने का, इस समय तो ज़्यादा मिलता है। ज्यादा भी क्या मिलता है गाइस, उस समय 50-60 रुपए महीने का मिलता था और आज 500-600 रुपए मिलता है बस। बिहार में देखे होंगे लोग मिट्टी का चूल्हा बनता है, मैं बना के रखी हुई थी उसमें, रात में उठे और मेरी बेटी थी मेरे गोद में, तो दोनों एक साथ उठ जाता था, दोनों का दोनों, मेरे और पूजा में 1 साल का अंतर है। हाँ जब ये रोते थे तो वो जग जाती थी और वो रोती थी तो ये जगते थे, बड़ा मजा आता था। तो हम लोग दोनों हम कैसे संभाल पाते, हम भी उतना ही नहीं थे, लेकिन इनके पापा थे तो हमको नहीं समझ में आया, दोनों आदमी हम लोग मिल के इन लोग को पाले हैं। लोग इनके दादी गाँव पे रहती थी वो वाला बताइए ना,
इनको रात में भूख लगी थी और ये पूरा रो रहे थे। स्टोव जलाने, पहले स्टोव पे खाना बनता था, तो स्टोव जलाने जब हम गए तो उसमें नहीं था तेल, तो इनके पापा बोले कि अब क्या किया जाए, रो रहा है। तो हम बोले कि एक काम कीजिए, आप ये फाड़ कर डालिए इसमें चूल्हा में, और हम इसको गोद में लेके भून रहे थे आटा, और चावल का आटा भून के उसमें ले जैसा बना कर हलवा जैसा बिना चीनी का इसको बना कर रात में खिलाए, तो एक कटोरी खा के सो गया। तब तक फिर पूजा जग गई। तो हम इसी तरह तीनों बच्चा को पाले हैं, तीनों में मतलब साल डेढ़ साल का अंतर है। और नहीं, प्रिंस मेरे से 3 साल छोटा है। हाँ, पूजा से 2 साल प्रिंस छोटा है, इनसे 1 साल वो छोटी है। तो हमको बहुत दिक्कत हुआ है इन लोग को लेकर पालने में, लेकिन अब जो है इन लोग को बहुत सारी बातें ऐसी पीछे की जब मैं पूछता हूँ तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, और खूब सारा मेहनत मम्मी पापा ने डेफिनेटली किया है बहुत सारा। तो चलिए रुख को बदलते हैं और पहुँचते हैं मेरे ठीक पीछे, जो मैडम जी अभी रेडी हो रही हैं। ओ मैडम जी, ओ मैडम जी, जुल्फों से ज़रा वक्त मिले तो कभी हमारे कैमरे को भी देख लिया कीजिए। देखिए इनके बाल के डिज़ाइन को पकड़ने पकड़ने के लिए बस कितना मेहनत इनको करना पड़ता है। इतना ठंडा ठंडा हवा यहाँ चला दिए, तो रात भर लाइट नहीं थी गाइस, बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम भी हुआ था, है ना। बहुत गर्मी गर्मी हो गया था सुबह, तो नहाने में सबको आज लेट हो चुका है। आई नहीं आई मेरी बाई, सो ये घर की सजावट करते हुए आज इनको देखिए, इनकी शक्ल देख लीजिए। आज तो सी फूड भी आएगा घर में, आज तो सी फूड आएगा। हाँ मनीषा, कुकर में चने चढ़ा दिए, कुकर में चने चढ़ा दिए मनीषा। बड़ा सीन हो गया इनके साथ, कुकर में चने चढ़ा दिए और खाली कढ़ाई गैस पे रख दिया। ओ भाई मारो, विजय मारो। ये मनीषा, तेल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, तेल होगा अंदर उसमें बड़े बड़े डब्बे में। सो गाइज अभी बड़े भैया गए हुए हैं बाहर, वो कुछ 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 काम कर रहे हैं मनीषा को तब तक कुकर में मनीषा ने चने, कुकर में चने बोलो चढ़ा दिए। ये देखिए कुकर में चने, आप देख सकते हैं चने उबाल दिया, कुकर में चने उबाल दिए। तो बिल्कुल राशि वाला ट्रेंडिंग चल रहा है जब मनीषा ने कुकर में चने चढ़ा दिए। ओ भाई साहब, गाइस कुकर में तो चने चढ़े हुए हैं, मनीषा ने अभी कुकर में वो चने वाली सब्जी बन रही है ना, तो और अभी तेल भी ख़त्म हो गया है, तो अभी ऑयल आ रहा है रखा हुआ इनफैक्ट दूसरे कमरे में, तो वहाँ से निकाल के। सो मीनवाइल गाइस हमने सोचा कि ये तो बस मॉर्निंग ब्लॉग था, रूटीन शेयर करना था, लेकिन रूटीन ही हमने शेयर नहीं किया, और वही होता है ना, प्लान करो कुछ और बन जाता है कुछ और, तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं है। सो इट्स अ टाइम टू गो फॉर योर कमेंट्स, सो अभी हम लोग आपके कमेंट्स पढ़ेंगे कुछ, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी ही होगी। तो पहले आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, देखते हैं आज किनका किनका मनीषा कमेंट्स पढ़ रही है। मनीषा चलो शाबाश, जानवी सिंह ट्यूटोरियल कहती है, वो कहती है भैया मेरा कमेंट्स नहीं पढ़ते हो, योर मॉम इज सो क्यूट। हाँ थैंक यू सो मच, और आपका कमेंट हमने पहले ही पढ़ लिया। और राहुल की वीडियोस, आंटी जी आप बोलते हुए बहुत स्वीट लगती हैं, थैंक यू। सो आंटी जी की तरफ से आपको बहुत सारा धन्यवाद, और मनीषा जी झूला झूल रही हैं, टिक टिक डिक डिंग ऐसे एकदम एक जगह कांस्टेंट रुकना नहीं है। नेक्स्ट, और रीता चौबे कहती हैं कि मैं भी अपने ससुराल में हूँ, और सुबह का उठा ही सबसे बड़ा महाभारत है, सुबह का उठना ही सबसे बड़ा महाभारत है। हो जाता है ऐसा कि सुबह में उठने का मन नहीं करता है, लेकिन गाइस पता है क्या, अगर आपको ज़िंदगी में, मतलब ये प्रवचन नहीं दे रहा हूँ मैं या फिलॉसफी नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं ना तो बहुत सक्सेस लाइफ में हासिल करते हैं। सो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, दैट्स द बेस्ट। प्रिया झा भैया आपका व्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच प्रिया झा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों का कमेंट्स भी हमें बहुत अच्छा लगता है, 99.9% लोगों का कमेंट्स बहुत पॉजिटिव होता है। रीना देवी कहती हैं कि सचिन भैया आप कमेंट ऑफ मत करा करें, सचिन भैया को कमेंट ऑफ इसलिए करना पड़ जाता है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स का हम लोग रिप्लाई नहीं दे पाते जो पुराने पोस्ट पे आते हैं, और फिर आप लोग सोचते हैं कि हम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, नाराज हैं, ये हैं, वो है, तो ऐसा कुछ नहीं गाइस, हम लोग चूंकि रिप्लाई नहीं कर पाते हैं रीज़न भी, तो हम लोगों को वो पोस्ट को उन पोस्ट के कमेंट्स को ऑफ करना पड़ जाता है,
लेकिन रीसेंट पोस्ट जो भी होंगे उन सारे पे आपको कमेंट्स मिलेंगे। मुन्ना ठाकुर, वाओ अमेजिंग ब्लॉग एंड अ नाइस चॉइस आंटी, आप लोगों को किसी की नजर ना लगे, आई एम नहीं लगी काला टीका। आई एम राखी, स्टडी इन क्लास 8। हाय राखी, थैंक यू सो मच। सो कल एक 6th 5th क्लास की बच्ची भी एक हमें फोन करी थी कानपुर से, क्या नाम था उसका मानसी नाम था स्कूल का, और घर का नाम क्या था? वो जो कल रात को लड़की एक फोन करी थी, आयुषी रावत, बहुत ही क्यूट हैं आप, आपसे तो मेरी बात हो नहीं पाई। सो गाइस, किसी के पास हमारा नंबर मिल जा रहा है तो आप लोग कंटिन्यूसली फ़ोन करने लग जा रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन गाइस, एक बार दो बार हम लोग कॉल पिक कर लेंगे, अब दिन में आप 10-10 बार कॉल कीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं, वाकई में हमारे लिए मायने रखता है। प्रियंका जयसवाल कहती है मम्मी एकदम मस्त है मेरी मम्मी, तो आज के सारे कमेंट्स आई थिंक मम्मी के लिए ही है। सो मेरी मम्मी बलिया की है और आंटी जी की तरह ही, गाना भी है ना बलिया में क्या बलिया पर गलिया घूमे ऐसे कुछ। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का, उम्मीद है कि आप सभी को सचिन आपकी मॉम बहुत गोलू है गोलू मोलू। सौम्या सिंह कहती है रिप्लाई कर देना व्हाट शी सेड, ओके थैंक यू सो मच। और ये कमेंट्स में मम्मी अभी वीडियो देख ही लेंगी। तो गाइस, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और अभी एक और ब्लॉग आएगा आज होपफुली, तो वो वीडियो थोड़ी लेट आएगी, लेकिन आप लोग प्लीज इस वीडियो को भी एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। लास्ट लाइन मनीषा का पेट लाइन है, चलो मनीषा। आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि थैंक यू सो मच। खत्म हो गया, चलिए बाय।